वन प्ले। कैसे सर? खाना खा लिया? जी। और वो जो बनियान सूखने डाली थी सूख गई? बनियान कहाँ डाली सूखने? नाना छेद वाली बनियान। नहीं नहीं छेद मेरे कच्चे। लेकिन आपको कैसे पता? दाढ़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। छूके बताना जब वक्त मिले। अरे नेकी और मूछ मूछ ये। अरे क्या कर रहे हैं आप? आप ही ने तो बोला कि दाढ़ी छूके बताइए। अरे फोन पे हूँ, फोन पे। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे वो दिखाई नहीं, ये दूसरा झुमका कहाँ गया? मेरा कुत्ता निकल गया। आपके पास कुत्ता है? घर पे कुत्ता काफी नहीं था, बच्चों ने कहा एक और चाहिए। ओ, कुछ भी खा जाता है। ये वाले कान का ईयरफोन निकल गया, अब डेली बैठ के उसके हगने का इंतजार करता हूँ। वो इंस्टाग्राम पे रीले बनवाइए, उससे रोज हगेगा। एक हफ्ते पहले मेरी बीवी की गिफ्ट की हुई चकाचक व्हाइट शर्ट खा गया, उसके बाद से धीरे धीरे एक दो बटन हगे जा रहा है, परसों जाके कॉलर हगाए। ओहो, फिर तो वो शर्ट कोई काम की नहीं होगी। पहनी तो हुई है, नहीं पहनता तो बुरा मान जाती। सफेद शर्ट थी सर, आपने अभी बोला, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है। अरे टट्टी का रंग मिक्स हो गया है। आओ 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 बताओ। तीसरा कोई आया है? तीसरा भी यही होगा, तीसरा भी यही है। या बहुत कमाल का बंदा है, मतलब एक एक ही बंदा है, चार करेक्टर कर रहा है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। लाजवाब यार। अरे जल्दी बोलो, 25 मिलियन लोग वेट कर रहे हैं। क्या चाय पत्ती नहीं है कैंटीन में? परसों स्कूल में पानी नहीं था, टीचर अपनी थूक से काम चला रहे थे। नमस्ते सर। आओ 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 आओ। अच्छा अच्छा पिताजी पहले आ गए, बेटा बाद में आ रहा है। जो है मुझे पसंद, ये मुझे पसंद। मिफ्फ का दिल आया मिस्टर पे, ये बहुत फेवरेट है। जिस तरीके से फनी बातें करता है पिताजी, सोच के जो कर रहा है तो होंगे बेटा जी। अरे ये क्या मिस्टर बिस्तर लगा रखा है? कुछ कंठ गीला करने के लिए है? किसको कंठ गीला करना है? अरे कंठ ठट ठट। तुम जाओ स्कूल से बाहर वाली जो टपरी है वहां से चाय लेके आओ, और बोलना सर ने मंगवाई है। मेरा नाम नंद किशोर, बताओ रोज मिलता है, मेरा नाम ही नहीं पता, बबली नाम है मेरा। और तुम यहाँ कैसे? बंदर का नाच नहीं चल रहा है इधर? क्यों आप डांस नहीं कर रहे? सर वो घर आया हुआ था कुछ लेने, तो मैंने बोला साथ चल ले। बा सुबह सुबह क्या लेने आए? एक सेकंड, ये चीज क्या है? ये आपकी नाक मेरे काम में अड़ी हुई मिली। सर वो कैरम की गोटियां लेने आया था। अच्छा रख ली थी गोटियां? हाँ अंकल, सफेद वाली मिल गई थी। और काली गोटियां कहाँ हैं? मेरी पैंट में। सर आपको नए साल की बहुत बधाई। किस बात की? नए साल की। हाँ तो बधाई किस बात की? कैलेंडर का पन्ना पलटा है बस, किस्मत वही है फुद्दू। जो दिन रात मास्टर वेट करते हैं वही किस्मत बदलने का वेट करते हैं। हाँ भाई तुम आगे का क्या सोचा है, क्या करना है करियर का? मेरा प्लान थोड़ा अलग है, हटके। अच्छा कितना हटके है? रेगिस्तान में ऊँटों के दांत मांझ रहे हैं या बुड्ढों के पोते सुलाने? नहीं बंदर के गोटे खुजाने। नहीं सर। फिर बकवास बातों में पीएचडी करनी है, छिछली हरकतों में डिप्लोमा? नहीं नहीं इसको नेता नहीं बनना, तू खुल के बता ना। सर आई वांट टू बिकम एक्टर। आई वांट टू बिकम एक्टर। एक्टर बनना है? हाँ। तो इटैलिक्स में क्यों बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो। और ये ख्याल कैसे आया? मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कैसे लगेगा, पूरा दिन इनके हाथ में हथियार होता है। तू खुलेआम हिलाने लगा है क्या? फोन की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड दिखते रहते हैं, देश में क्या ट्रेंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड मुंह जबानी याद है। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रहा था नो नट नवंबर। नो नट नवंबर सुना सुना क्या होता है? अक्टूबर की आखिरी रात को रंग दो बमाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। ये भविष्य है हमारे बच्चों का, ये पढ़ाई करने का टाइम नहीं है लेकिन स्क्रीन टाइम घंटों के हिसाब से है। अरे हमारे जमाने में हम बाहर जाके खेलकूद करते थे, एक्टिविटीज करते थे, लेकिन ये इन्हें रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। अभी परसों एक बच्चा क्लास में डस्टर पे फोन टिका के, हाँ मैं बाजीगर, मैंने गर्दन पकड़ी, बोला पहले होमवर्क कर। और तो और टीचरें लगी हुई है स्टाफ रूम में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अरे बहन माँ क्लास में बच्चे बुला रहे, वहां जा। सर मैं रील्स देखता हूँ लेकिन एक्टिंग और गिटार प्रैक्टिसिंग की? अरे मैं दिन में एक घंटा बांसुरी बजाता था। किसकी? अपने खुद की। फ्लेक्सिबल है। अरे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तक। अरे ये सब छोड़िए, तू सर को बता ना तुझे नशा का कितना शौक है। वाला कैरेक्टर है ना, केड़ा नशा लग गई लत। क्या फूकते हो? चरस, गांजा, डाइल्यूटर, वाइटनर, फिनेल, पेट्रोल, डीजल। तमीज से बात करना मेरे बेटे के बारे में। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? अरे नशा जो अंतरिक्ष में जाते हैं, नासा। हाँ हाँ नासा, इसको छोटे छेद का बहुत शौक है। मुझे भी। अच्छा ओजोन लेयर की बातें कर रहे हैं? अरे सर इसको बहुत शौक है अंतरिक्ष का, इसके लैपटॉप में देखा है मैंने, वो जो फोल्डर है ग्लोरी होल और ब्लैक होल नाम का।
ऐसा कुछ नहीं है, गलत पढ़ा आपने। अरे ऐसे कैसे गलत पढ़ा, मुझे अच्छे से याद है। फेमस गजल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है फिशिंग नाम का, मछुआरों पे रिसर्च कर रहा है बेटा। फिशिंग होता है, स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लियो ठीक है। और तो और ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन सकता है, वर्ल्ड कप हारने के गम में हमारी टीम की पावर प्ले बैटिंग पे रिसर्च कर डाली। वो क्या है फोल्डर का नाम, हाँ कम शॉट। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं यार, पता नहीं किसका लैपटॉप देख लिया। साइबर कैफे नहीं चलाता मैं, तेरी माँ तू और मैं, हम तीन लोग रहते हैं घर में, किसका होगा लैपटॉप। आप दो मिनट रुकिए। हाँ भाई तुम बताओ क्यों बनना है एक्टर। सर मैं हमेशा से खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। हाँ तो एक बड़ा पर्दा खरीद लो, टांग दो दीवार पे, उस पर अपना फोटो चिपकाओ, निहारते रहो खुद को। नहीं नहीं मतलब खुद को टीवी पे देखना चाहता था। हाँ ये चल रहा है आजकल देश में, बकवास बातें कर लो बेटा, अपने आप आ जाओगे टीवी पे। फिर आप क्यों नहीं आए अभी तक? क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, टीवी पे आना नहीं। आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आनंद के घर वाले मान जाएंगे? अरे तुम्हें बांध के क्यों नहीं रखते घर पे? और सर मुझे लगता है मैं फाड़ दूंगा पर्दा। नहीं नहीं एक्टिंग। और कोई वजह एक्टिंग की? पापाराजी। मैं तो राजी हूँ बेटा। नहीं नहीं पापाराजी जो फोटो लेते हैं। हाँ हाँ देखा है मैंने पापाराजी का इंटरनेट पे, ये लोग वही है ना जो औरतों को पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और पूछते हैं पहचान कौन। अरे QR कोड थोड़ी लगा है वहां, सत्यानाश कर रखा है, फेस दिखाओ ना बेस। वैसे वो लोग भी भली भांति जानते हैं कि लोग देखना खुली छाती चाहते हैं, पूरी दोपहर एक ही वीडियो डालते हैं, कौन जिम जा रही है कौन जिम से आ रही है। दोपहर को कौन जिम जाता है? मल्ला वल्ला बिदकना जरूरी है लेकिन खबर पूरी है। मैंने सुना है वहाँ ड्रग्स भी लेते हैं, माया जाल है बेटा वो। हाँ बुरी आदतें और लवड़े बता के नहीं लगते। सर अब जो करते हैं वो तो करते ही है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट अब ना शूटिंग सेट पे प्लास्टिक यूज नहीं होता, क्योंकि सारा मुंह पे यूज होता है बेटा। और आपको पता है वहाँ पे वो भी होता है, वो कास्टिंग काउच, मतलब आगे से न्योता आता है पीछे से है जी। फर्ज कीजिए मैं कास्टिंग वाला हूँ, आप एक्टर हैं, पूछिए। सर मुझे अपनी फिल्म में रोल देंगे? पहले लेंगे क्या? अरे छोड़िए, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए और बदले में सब्जी वाले ने आपका गाजर मांग लिया। अगर मेरे पास गाजर ही नहीं हुआ तो? अरे आप समझ नहीं रहे वहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गाइस बस ठीक है। ज्यादा वीडियो चलो बहुत लंबी हो रही काफी, और ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट, और इस तरीके से मेरी वीडियोज को लाइक करते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।